ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में जहां भारतीय टीम में पहले शामिल किया गया था दूसरा ऋषभ पंत, लेकिन उसके फ्लॉप हो जाने के बाद अब अहमदाबाद टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम का खात्मा करने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अब आएगा भारत का नया और तीसरा ऋषभ पंत। अब वो कौन सा नया खिलाड़ी है जिसे हम तीसरा ऋषभ पंत कह रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो से विस्तार में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। जिस तरह से हम सब जानते हैं 30 दिसंबर 2022 शायद ऋषभ पंत की जिंदगी का सबसे भयानक दिन, जिस दिन ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से अभी तक और आने वाले और कुछ महीने ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर रहने वाले हैं। और ऐसे में जैसे ही ऋषभ पंत को एक बड़ी इंजरी हुई थी, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हुआ था कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऋषभ पंत की जगह आखिरकार कौन लेगा। तो ये मौका मिला पहले तीन टेस्ट मुकाबलों में भारत के युवा स्टार बल्लेबाज के एस भरत को, लेकिन के एस भरत अपने इस मौके को कुछ खास भुना नहीं पाए हैं। हालांकि विकेट कीपिंग में के एस भरत ने सभी का दिल जीता है, लेकिन अगर बात की जाए के एस भरत ने बल्ले के साथ काफी खराब परफॉर्मेंस किया है। अभी बीते गुजरे इंदौर के टेस्ट मुकाबले में जहां के एस भरत के बल्ले से भारत को सख्त आवश्यकता थी रनों की, तो वहां के एस भरत ने पहली पारी में 17 तो दूसरी में मात्र 3 रन बनाए, जिसके चलते पूरे टेस्ट मुकाबले में के एस भरत ने सिर्फ 20 रन बनाए थे। और इसी केस में भारतीय फैंस को ऋषभ पंत की कमी एक बार फिर से सबसे ज्यादा खली, क्योंकि जब भी भारतीय टीम बल्लेबाजी के मामले में ज्यादा फंसी होती थी तो बीते 2-3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ही भारत की उस बड़ी दुविधा को दूर करते थे। जहां के एस भरत ने ऐसा कुछ कारनामा भारत के लिए नहीं किया है, तो अब शायद बारी आ गई है भारतीय टीम में शामिल करने के लिए तीसरे ऋषभ पंत की। और ये खिलाड़ी ऋषभ पंत के खेलने के तरीके से काफी हूबहू मैच भी करता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, जिन्हें इस टेस्ट स्क्वाड में शामिल तो किया गया है, लेकिन अभी तक ईशान किशन को किसी भी मुकाबले की प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला है। आपको बताएं ईशान किशन के झारखंड के लिए खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े कैसे हैं। खेले हुए 48 मुकाबलों में ईशान किशन ने झारखंड के लिए 4300 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि ईशान किशन ने 47 मुकाबलों में 16 बार अर्धशतक और 6 बार शतक भी लगाया है। तो लाल गेंद के साथ जहां ईशान किशन के आंकड़े तो सराहनीय है, वहीं पर ईशान किशन की अगर क्षमता की बात करें, क्योंकि ईशान किशन भी ऋषभ पंत की तरह बड़े बड़े छक्के आसानी से लगा सकते हैं। ऐसा कारनामा हमने करते हुए ईशान किशन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ साथ आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी देखा है, जहां ईशान किशन ने अपने अंदाज में बड़े बड़े चौके छक्के लगाते हुए भला वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर्स हो सभी को परेशान किया है। जबकि के एस भरत इससे पहले भला वो आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, के एस भरत की बल्लेबाजी की जो शैली है वो उसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े चौके छक्के अमूमन नहीं जड़ते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है, जहां भारतीय बल्लेबाजी हमें पूरे इंदौर के टेस्ट मुकाबले में जूझती हुई नजर आई है। पहली पारी में भारत के 109 और दूसरी पारी में 163 पर सिमट जाना ये बड़ा सवाल है कि भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। और ऐसे में के एस भरत का बल्ला भी नहीं चला है, जिसके चलते के एस भरत की जगह ईशान किशन को भारत की प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। और यहीं पर ईशान किशन को एक ओपनर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में वनडे और टी20 क्रिकेट में तो ईशान किशन ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की है। और जहां पर रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल और शुभमन गिल ये दोनों ही खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं, तो ईशान किशन से पारी की शुरुआत के साथ साथ विकेट कीपिंग और धुआंधार बल्लेबाजी की उम्मीद भी की जा सकती है। क्या है आपका मानना, क्या श्रृंखला के चौथे और आखिरी टेस्ट मुकाबले में ईशान किशन को प्लेइंग 11 में केएस भरत की जगह मौका देना चाहिए, क्या ईशान किशन से पारी की शुरुआत करवानी चाहिए या फिर नहीं? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।